हेलो, जय माता की। जय माता दी सर। हाँ कल मेरी बात हुई थी आपसे, आप बोल रहे थे थोड़ा बिजी था, तो फिर मैंने आपको जी फोन जी लगाया। आपका फोन बिजी आ रहा था, डिस्टर्ब किया नहीं था। हाँ जी सर, बताइए। फ्री अभी आप फ्री हैं सर? तो देखिए होना बहुत मुश्किल काम है, आपसे बात हम करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये पंडोकर वाला चल रहा था, इसलिए मैं ही बोल रहा था आपसे। हाँ तो पंडोखर बाबा चल तो रहे हैं अभी भी। हाँ, तो इसलिए वो आपके YouTube पे देखा मैंने, हाँ इसलिए मैंने आपको फोन किया था। आपको भी तो हम जाना है भी क्या? नहीं, हम जाके ठगी के शिकार होके आ गए साहब। अरे वाह, मतलब हाँ, आप लाभ ले आए हैं। लाभ तो नहीं है, फिर ठगी के शिकार तो हो गए। हाँ, अरे वही, मतलब लाभ का मतलब उनको तो लाभ दे दिया आपने, तो उनको लाभ दे दिया साहब, हमने लाभ वही दिया उनको, तो बेइज्जती वही हो बात कर रहे हैं, जाएगी। क्योंकि आपको तो लाभ वैसे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो उन्हें लाभ देने के लिए थोड़े बैठे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ठीक ठीक कह रहे हैं आप। तो आप हम हमें लोग मुझे पूरी जोधपुर डिटेल्स बता दीजिए। से गए थे, तीन लोग गए थे जोधपुर से। मेरा पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। जी नाम के आर प्रजापत है, मैं शेरगढ़ का निवासी हूँ, जिला जोधपुर, राजस्थान। अच्छा हम लोग गए थे जुलाई में, सेकंड वीक में। ठीक है, जुलाई हमने मतलब पहले यही पहले 2022। ठीक जी हाँ, 2022। है जी हम लोग तीन लोग गए थे इधर के, एक तो बाड़मेर का था, एक जोधपुर सिटी का, और एक रूरल एरिया का, मैं एक ही था। अच्छा तो हम लोगों ने पहले 2100 2100 रुपए की रसीदें कटाई थी, तो हाँ फिर 2100 में नंबर आया नहीं, तो हमने क्या है उसको कन्वर्ट करवा ली थी 11 11 हजार में। पहले 2100 की जब नहीं नंबर आया तो कैसे रुकने रुके थे आप? हम रुक गए थे सप्ताह भर। हाँ, तो फिर नंबर आया नहीं, तो हमने 8900 रुपये और जमा करा के उसको 11 हजार में कन्वर्ट करवा लिया था। ठीक है फिर हम लोग 11 हजार में, चौथे दिन हमारा नंबर आया था, ऐसे अच्छा, तब भी 4 दिन और रुकना पड़ा। ठीक चार दिन और रुकना पड़ा। फिर है हम लोग वहाँ रुके, उनसे वार्तालाप हुई हमारी। तो फिर उनके बाद ही उन्होंने लिख के दिया कि 21 हजार कुछ रुपये का यज्ञ है, तीन नारियल है 300 रुपए के, 3300 रुपए के रामायण के पाठ हैं, और 3300 रुपए की है भोजन, जो निःशुल्क भोजन करवाते हैं ना, हाँ वो कहने में तो निःशुल्क ही है, पैसे हम लोगों से ही, मतलब वहाँ भक्तों से ही लेते हैं। अच्छा, पर हाँ, तो वो था। एक बात समझ में नहीं आए, वो तो ऐसा पैसा तो लिख के नहीं देते हैं कि इसने का यज्ञ है। नहीं, वो पेपर पे लिख के देते हैं, फिर वो उनके पास जाते हैं, वो बेचते हैं सोनू महाराज के पास, अच्छा वही वहाँ एक तो, औरत क्योंकि ये हमें रहता अभी तक ये बताए हैं कि पीछे का आगे तो आपकी समस्या लिख देते हैं है। कि आपको ये मतलब ये परेशानी है, ऐसा लिखा था उन्होंने। हाँ, परेशानी लिखी थी, मगर मेरे दिमाग से उनकी परेशानी मैच करी नहीं, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, तो बोला यही है, नहीं तो बाहर चले जाओ। बढ़िया पानी है, टाइम और फिर हम लोग आ गए थे बाहर, फिर उनसे बात करी, तो सोनू महाराज से मिल लो। फिर हमने सोनू महाराज से मिला, वहाँ करता धरता सारा सोनू महाराज ही है अच्छा, सोनू महाराज करता वहाँ। धरता है हाँ, वो सारा केस का काम सोनू महाराज ही देखते हैं, सारा A to Z। अच्छा फिर उन्होंने कहा उसे टोटल कुछ 24 हजार 25 हजार का कुछ ऐसा खर्चा बताया, मैंने कहा इतने पैसे हमारे पास है ही नहीं, हाँ तो बोला अम्मा उसे कर लो, और जब आओ वापस तब 21 हजार रुपये जमा करवा देना यज्ञ के लिए, 6 महीने में आपका नंबर आ तो मतलब जाएगा। तो ये जो डिटेल्स बताया पैसे की तो सोनू महाराज ने बताई थी। हाँ, ये सारा सोनू महाराज जी, एक वहाँ का गार्ड है खुद उनका, लोकल गार्ड है, एक तो दो गार्ड तो उनके गवर्नमेंट के दिए हुए हैं अच्छा जो हथियारबंद हैं, एक उनका निजी गार्ड है जो बड़ी बड़ी मूछे रखता, जैसे मारवाड़ी रखते हैं ना राजस्थानी, हाँ हाँ जैसे बड़ी बड़ी मूछे वाला। उन्होंने कहा भी सोनू महाराज से मिलो, ये सारा काम वही करेंगे, और जो रामायण के पाठ के पैसे हैं ना, वो रसीद तो सोनू महाराज ही काटते हैं, रजिस्टर में एंट्री वो गार्ड करता है कि इनके नाम का ये पाठ, रामायण के तीन पाठ करने हैं। तो फिर ये हो गया, फिर हम लोग तो आ गए थे, फिर तीन तो लोग गए आपने इतना पूरे। दिया, फिर वहां और कुछ देर रुके क्या? अच्छा, आपने तो यज्ञ तो करवाया नहीं। नहीं, मैंने करवाया नहीं, तो मेरे साथ एक और सरदार जी था पंजाब का, वो इंग्लैंड से आया था, उनका भी समस्या था, तो वो एक बूढ़े थे, उनके वाइफ, मैंने कहा माता जी आपकी क्या तकलीफ है, बोला हमारी ये तकलीफ है जी, वो 11 लाख रुपए मांग रहे हैं,
तो हमने कहा कैश तो हमारे पास है नहीं, चेक दे देते हैं। बोला हम चेक से पैसे लेंगे नहीं। मैंने कहा किसने किसने बोला? महाराज जी ने बोला चेक से हम पैसे शो कहाँ करेंगे, इसलिए आप कैश ही दे दो। तो फिर वो 11 लाख रुपए उन्होंने दिए थे सरदार जी ने। एक हमारे साथ जयपुर की लड़की थी, तो वो अकेली थी, जयपुर से अकेली आई थी घर वालों से छुपके। तो उनसे भी गुरुजी से, वो गुरुजी क्या करते हैं, अंदर ऑफिस में कुछ कहते हैं, बाहर शो कुछ और करते हैं। अच्छा जब हम ऑफिस में मिलते हैं ना अंदर, तो हाँ वहाँ अंदर कुछ बातें और, जैसे एक मान लो आपने यूट्यूब पे मीडिया देखा होगा आपने, कि एक आया था वो पुणे पुलिस वाला, बोला पुलिस हाँ की फोर्स आई थी, जबकि वो पुलिस वाला एक्चुअल में गुजरात का था। अच्छा उसका नंबर है गुरुजी के साथ, मेरे साथ ही उनका नंबर आया था, हाँ और उन पुलिस वालों से खाली पेपर पे गुरुजी ने साइन करवाए थे। बोला अच्छा कल का कोई मुकदमा पंगा हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप तो इस पे साइन करके दे दो। ये रियल में वो पुलिस गुजराल वाले सौराष्ट्र का था, गुजरात का, और उसको यूट्यूब पे दिखाया गया था पूना का। अच्छा हाँ, अंदर कुछ कहते हैं बाहर कुछ कहते हैं, ये तो मेरी मेरी आंखों से देखा और कानों से सुना है। अरे फिर वो लड़की थी जयपुर वाली, उन्होंने कहा आप 91 दिन यहाँ रुक जाओ, 91 डेज। फिर बोला भैया क्या करूँ? मैंने कहा हम तो तुम्हारे तरह दुखी हैं, हम तो क्या बताएंगे, आपको इच्छा है तो बोला अकेली हूँ तो आपकी मर्जी है तो रुको। फिर तो भग गई थी। बोला एक लड़की को 91 दिन रुकना इम्पॉसिबल है। अरे यार ऐसे कैसे बता रहे हैं 91 दिन, 91 दिन 91 दिन इतना कैसे कोई रुकेगा? तो कहाँ रुकेंगे, रोज का खर्चा भी तो है, खाने का है, रहने का है। या इसलिए बता देते हैं कि जो आप नहीं कर पाए और चले जाए हाँ तो हम कह दें कि हाँ आपने नियम नहीं पालन किया इसलिए लाभ नहीं मिला। नहीं, मैंने बहुत लोगों से बात करी, मैंने कुछ बिहार के थे वो कैंसर के पेशेंट थे, तो बोला साहब मेरे पास 7 अमावस्या करी, मैंने 5 बोला 7 करी, फिर भी जो हमारा भाई है वो तो दिनों दिन डाउन ही होता जा रहा है, उसको ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है। अच्छा तो मैंने कहा भाई तू पंगा कर या हंगामा कर, बाकी कोई सुनने वाला है नहीं। बोला 3 दिन से मिल नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा हंगामा कर दो, यही है मिलने का तरीका, तो हो उल्लट करो, हो सकता है आपका नंबर आ जाए। तो फिर वो, फिर जब तक उनको कोई आ गए थे वीआईपी लोग आ गए थे, 51 हजार पर्ची वाले, तो अच्छा तत्काल में मिलने के लिए उनकी फीस है 51 हजार रुपये, अच्छा और 2-3 घंटे या 1 दिन बाद में मिलने की है 31 हजार रुपये, फिर 21 हजार रुपये, फिर 11 हजार रुपये, ओहो फिर 2100 रुपये और 1100 रुपये। पहले थे इनकी 7200 रुपये की, पहला वीआईपी की पर्ची थी 7200 रुपये की, अब उनकी वीआईपी वही है, जितने पैसे दो जितने जल्दी मिलो। अच्छा ये है। अब उन्होंने क्या अपनी गाड़ी पे पार्टी का लोगो लगा रखा है, भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा अब उसके गाड़ी के ऊपर तो लोगो वही है। हाँ और फिर वो अपने वहां आते हैं वो ऑनलाइन दिखाने के लिए, अच्छा ऑनलाइन कुछ और बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी किसी का नाम बोलते हैं, उसके पिता का नाम बोलते हैं, वो एक्चुअल में ऑफिस के अंदर पूछ के लिख के रखते हैं पर्ची के ऊपर, फिर अच्छा बुलाते हैं भाई वो आ जाओ वो आ जाओ, उसके पिता का नाम ये है, उनकी माता का नाम ये, सारा पूछ के रखते हैं पहले ऑफिस में। ये हमारे तो साथ एक मेहता साहब थे जोधपुर का, बनिया था मेहता, हाँ तो उनका भी नाम उन्होंने पहले पूछा, पिता का नाम पूछा, फिर उसको 1 दिन तो बुलाया नहीं, दूसरे दिन उनको बुलाया था वहाँ, ऑनलाइन दिखाया था। मैंने कहा ये तो अंदर कुछ बताता है बाहर कुछ बताता है, तो ये हमारे तो तो वो कह बात दिया कह जाए कि नहीं। आप ही से जानकारी लेके आप ही को सुना के और बेवकूफ बना रहे। हाँ हम लोग तो जोधपुर के हैं, अभी थोड़े हम क्या है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी परेशान है, अगर थोड़े बहुत हमारे पास स्थिति ठीक होती तो हमारे जोधपुर पुलिस में सब अच्छे खासे सब सिलेंडर हो जाते हैं, हाँ या तो अच्छे अच्छे लोग सिलेंडर होके गए थे, आसाराम भी अंदर ही पड़ा है अभी तो। अच्छा ऐसा है मैं आपकी बना ये वीडियो मेरे पास है जो ऑडियो है रिकॉर्ड हो रही है और मैं आपकी वीडियो बना के डालने को तैयार हूँ अगर आप तैयार हैं तो नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो कह रहा हूँ जो सच कह रहा हूँ, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। फिर और मैं आप तो ये कहता हूँ ऐसा लोगों, जी मैं तो ये कहता हूँ लोगों को, ये संदेश देता हूँ कि ठगी के शिकार न हो, हाँ ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो दूसरे संतों को गाली देता है और अपने आप को महान समझता है, बिल्कुल ऐसा होता नहीं। वो हर किसी को, मतलब हर हर किसी को अपने से नीचा समझता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये है, और तो देवी ऐसा होना नहीं देवताओं को चाहिए। भी वो कोई भजता नहीं हो। नहीं, किसी को कोई वो देता है सिग्नल ही नहीं देते हैं किसी को। अच्छा मुझे आपसे दो चीजें चाहिए होंगी, एक बोलिए आप तो आपकी मुझे फोटो चाहिए होगी जी। और जो रसीद आपने वहां कटाई हो या जो आपको मिला हो वहां से, जिसे एक बड़ा पर्चा मिला होगा जिसमें हाँ सर, आपकी हाँ मैं समस्या करूँगा लिखी सर। होगी वो हाँ, और जो एक दो रसीदें और हों। मेरे पास रसीदें पड़ी है।
तो वो मुझे उसकी फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके यही है ना जो मैं बात कर रहा हूँ? हाँ 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 ठीक है, मैं आपको अभी इसमें आप भेजिए। हाँ हाँ मैं भेज देता हूँ आपके जी, क्योंकि आपकी वीडियो से कितने लोग बचेंगे कम से कम वही कर लें और क्या करें। हाँ और क्या, और अभी तक समझिए 100 लोग से ज्यादा बचा चुका हूँ आपके लोगों की वीडियो डाल के। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना अभी। हाँ कल भी मैंने सुना, अभी एक वीडियो चल रहा था आपका वो सागर वाला। हाँ क्या नाम उसका, प्रदीप सिंह था ऐसा कुछ उनका चल रहा उसकी था। उसकी तो जीजा मर गया, जीजा मर गया। हाँ जीजा जीजा, तो वो फूफा मरा उसका। वो बात सच्ची कह रहे हैं, उसमें कोई कोई शंका नहीं है। हाँ। वो कह रहे हैं मैं ठीक करता हूँ कैंसर वैंसर, तो इम्पॉसिबल है चीजें, मेरे तो दिमाग से बाहर की बात थी। फिर हम लोग भी बैठ गए वहाँ, देखा हम इनका रंग ढंग तो देखे क्या है इनका। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, वो एक पैसे कमाने का जरिया है, पैसा कमाता है, लोगों को लूटता है। पर पैसा आप इतना न कमाओ, आप अगर किसी से कह के लेते हो कि भैया हम आपसे इस काम के लिए पैसे ले रहे हैं तो उसका काम कर दो, और नहीं कर पा रहे तो पैसे वापस कर दो। नहीं, घमंडी इंसान की मृत्यु हमेशा इनसे ही होती है, या तो ज्यादा धन से होती है हाँ और या ज्यादा लोगों से बदुआ से होती है। तो इनकी दोनों तरफ से मृत्यु होगी, एक तो इनके पास खूब सारे पैसे आ गए और एक इतने लोगों की बदुआ लग गई। इसका मृत्यु का समय अब निकट है, कोई ज्यादा दूर नहीं है जी। तो अब ये क्या है कि इसके ऊपर जब तक ये लोग लूट रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है। ये बात सत्य है, इसके ऊपर अब ये भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा के बैठा है गाड़ी के ऊपर। हाँ। और वो महामंडले से अध्यक्ष कुछ ऐसा लिख के रखा है अपनी गाड़ी के ऊपर। हाँ ठीक है, आप चिंता न करिए, चाहे जो लिखे रहे अब ये जनता की जो पुकार होती है ना बहुत पावर रखती है। हाँ, और जब ये गरीबों की आह लगेगी ना तो अपने आप आगे सफाई के रास्ते बना देती है। हाँ अपने आप ही मरेगा ये। हाँ ऐसा है कि हम हमारी जिम्मेदारी पहले ये बनती है कि जो और लुटने वाले हैं पहले हम उनको बचा लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और फिर वो क्या होगा, जो लुट चुके हैं उनका डाटा इकट्ठा होगा तो प्रशासन से भी कहेंगे देखिए इतने लोग लुटे हैं, अब तो आप संज्ञान में दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम दोनों तरह से कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास भी काफी लोगों के नंबर है, दिल्ली के 2-3 लेडीज मिले तो उनके नंबर है, छत्तीसगढ़ के मिले मेरे को उनके नंबर है। तो आप हमारा सपोर्ट करिए, सबसे संपर्क करिए और उन्हें हमारा वीडियो भेजिए, उन्हें कहिए हमसे संपर्क करें। हम सबकी वीडियो डालेंगे, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 500 व्यक्तियों की वीडियो डल जाए, तो फिर इसके बाद हम या तो चाहे जनहित याचिका दायर करें चाहे शासन प्रशासन को दबाव बनाए कि अब आप एक्शन लीजिए। प्रशासन तो उनके साथ में है ना, तभी तो उन्होंने गनर दे रखे हैं प्रशासन में और पार्टी का लोगो दे रखा है। तो भैया कोर्ट भी तो है, जनहित याचिका दायर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ये ठीक है। हाँ रास्ते तो बनाने पड़ेंगे ना, रास्ते बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम हमें उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, सही बात कह रहे हैं आप, इसलिए कि जो लोगों की हाय से दबा हुआ हो तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक कह रहे हैं आप। और जो तुम किसी काम कर नहीं पा रहे हो तो तुम नुकसान क्या कर दोगे भाई। हाँ नुकसान कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कोई भी इंसान से पैसे लेने के बाद सही ढंग से बात नहीं करता वहाँ का स्टाफ। हाँ ये शिकायत है, तो आप मुझे इसकी अपनी डिटेल्स मुझे भेजिए, अपनी फोटो एक अच्छी से भेज दीजिएगा। हाँ एक फोटो भेज देता हूँ और वो भेज देता हूँ रसीद जी, जितना आप मुझे भेजिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी वीडियो में कल ही डलवा दूँ। बिल्कुल जी, क्या नाम आपने बताया? KR प्रजापत जोधपुर। जी जी प्रजापत जी, आप जल्दी से जल्दी भेजिए। हाँ भेज देता हूँ। हाँ जय माता जी, जय माता।